गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तभी आ गई हूँ किचन में। यहाँ मैं बना रही हूँ सोयाबीन की सब्जी, तो आप सब देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ डालूँगी जीरा। देखिए देख सकते हैं, पहले मैं जीरा डाल देती हूँ इसमें, फिर मैं डालूँगी सूखा मिर्च। मैं यहाँ सूखा मिर्च डाल देती हूँ। यहाँ 3 सूखा मिर्च डाल दी मैंने, और फिर मैं ये डाल देती हूँ। आप लोग क्या बोलते हैं इसको, मैं तेजपत्ता बोलती हूँ। इसको डाल देती हूँ तोड़ के। और यहाँ मैं ऑयल डाल दे रही हूँ। आप सब देख सकते हैं यहाँ मैंने सब कुछ डाल दिया, जीरा मिर्च तेजपत्ता डाल दिया। अब यहाँ मैं डालूँगी कि ओनियन थोड़ा सा गर्म हो जाए, उसके बाद मैं डालती हूँ। और चाहिए आप लोग कमेंट करके बताइएगा आप लोग कैसे बनाते हैं। मैं तो सिंपल बना रही हूँ ऐसे, और आप लोग कमेंट कीजिएगा। गर्म हो जाए फिर मैं ऑनियन डाल दूँगी इसमें, ऐड कर देती हूँ। यहाँ मैं जा रही हूँ ऑनियन को डालने। देख सकते आप लोग बहुत फीका पड़ रहा है, तो यहाँ मैंने ऑनियन को डाल दिया। एक बस रेड हो जाए भून जाए तो फिर मैं इसमें सब मसाला ऐड करूँगी। थोड़ा सा रेड हो जाए फिर मैं मसाला ऐड कर दूंगी इसमें। और प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, खूब ढेर सारा प्यार दीजिए हमको। फिर मैं मसाला ले लेती हूँ यहाँ से। ज़्यादा कुछ तो नहीं डालती हूँ, बस हल्का हल्का मसाला ऐड करूँगी इसमें, थोड़ा सा और भून जाए फिर उसके बाद ऐड कर देती हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं ये थोड़ा भी भुना है, मैं मसाला इसमें ऐड कर दूंगी। देख सकते हैं थोड़ा रेड हो जाए फिर मैं इसमें मसाला सब डालूंगी। आप लोग कैसे बनाते हैं कमेंट करके बताइएगा। मैं तो बहुत सिंपल बना रही हूँ। यहाँ देखिए देख सकते हैं आप लोग, गाइस जितना हो सके मेरे चैनल को प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, हमको ढेर सारा प्यार दीजिए प्लीज़। यहाँ देखिए मैं धनिया पाउडर डाल देती हूँ इसमें, बस थोड़ा सा धनिया पाउडर डालूंगी। और ये देख सकते हैं ये है मिर्च पाउडर है, तो काफी तीखा होता है। ये देखिए ये हल्दी पाउडर है, हल्दी पाउडर डाल देती हूँ इसमें। भाई आप लोग कैसे बनाते हैं प्लीज कमेंट करके बताइए हमें। और यहाँ मैं नमक डाल देती हूँ। ये देख सकते हैं अपने स्वाद अनुसार डालें, जितना आप लोग खाते वैसे डालें। बहुत आदमी नमक ज़्यादा पसंद करता है, बहुत कम। जैसा आप लोगों को पसंद है वैसा ऐड करें इसमें। यहाँ देख सकते हैं मैंने मसाला को ऐड कर लिया। देखिए आप लोग भी
बहुत अच्छा लगता है, सिंपल में भी अच्छा लगता है। बस मैं सिर्फ सोयाबीन का सब्जी बनाऊंगी, इसमें आलू या कुछ और मटर ऐड नहीं करना इनको। यहाँ देखिए मैंने सोयाबीन को बॉयल कर लिया है और इसको पूरा पानी निचोड़ के बस ऐसे रख दी हूँ, देख सकते हैं आप लोग। और गाइस मैं देखिए इसमें अब टमाटर ऐड करूँगी, इसको मैं थोड़ा कम कर देती हूँ, फ्लेम पे कर देती हूँ अभी। तो इसमें मैं टमाटर डाल देती हूँ, यहाँ देखिए मैंने टमाटर को कट कर लिया, अब मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। और बस और कुछ नहीं करना, बस सोयाबीन डाल के थोड़ा सा फ्राई करके बस निकाल दूंगी इसको। तो मैं देख सकते आप लोग, बस इसमें अब सोयाबीन डालना है हमको, मैं साथ साथ सोयाबीन डालूंगी इसमें। देखिए ऐसे निचोड़ के इसका पानी पूरा निकल जाए तब इसमें डालिए। सोयाबीन की सब्जी में थोड़ा ऑयल तो ज़्यादा लगता है, देखिए ऐसे मैं डाल दे रही हूँ। पूरा इसका पानी निचोड़ के डालना पड़ता है, देख सकते हैं आप लोग। देखिए मैंने पूरा इसमें ऐड कर दिया, कैसा लग रहा है देखने में, देख के बताइए, कमेंट कीजिएगा। इसमें थोड़ा देर के लिए फ्राई होने देती हूँ और बस इसमें कुछ भी नहीं डालना हमको, सब कुछ मैंने डाल दिया, मैं सिंपल ही बनाती हूँ, देख सकते आप लोग। इसमें मैं थोड़ा सा ग्रेवी के लिए थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी और निकाल दूँगी, बस और कुछ नहीं करना इसमें। चलिए मैं इसको अब ढक देती हूँ 5 मिनट के लिए। अभी मेरा हो रहा है, बन गया है। यहाँ मैं आगे 5 मिनट हो गया, अब इसे देखते हैं तो बना है। तो देखिए जाए कैसा लग रहा आप लोग को बताइएगा। यहाँ मैं बस थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, थोड़ा सा, क्योंकि हमको सूखा बनाना है, इसमें ग्रेवी नहीं चाहिए हमको, हल्का सा ग्रेवी रहे थोड़ा बस, हमको सूखा एकदम बनाना है, तो देख सकते हैं। अब बस मैं इसे निकाल दूंगी, थोड़ा 5 मिनट और हो जाए, बस मैं निकाल दूंगी इसे। आप लोग बताइए गाइस आप लोग कैसे बनाते हैं, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, खूब ढेर सारा प्यार दीजिए, और बाय बाय।